हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में 70 लाख का अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा। तेल टैंकर में 84 कट्टों में मिला 1224 किलो डोडा पोस्ट। जिले के ग्रामीण पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तेल टैंकर से 1224 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। चालक भागने में सफल हो गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारट ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम की कड़ी में पीपांच शहर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जिला स्पेशल टीम एवं ग्रामीण पुलिस को सूचना मिली कि इंडियन ऑयल के मार्का लगे तेल टैंकर में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट भरकर जोधपुर शहर के आसपास के गांव में स्थानीय तस्करों को सप्लाई किया जाएगा। इस पर एएसपी सुनील के पवार, बेलाड़ा वृत्ताधिकारी हेमंत कुमार नोगिया, आरपीएस प्रशिक्षु नरेंद्र पुनिया और पीपांच शहर पुलिस ने बोरुंदा स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक टैंकर को रुकवाया गया। टैंकर को पीपांच शहर थाने लाकर ढक्कन खोलकर तलाशी ली गई। तब टंकी में कुल 84 कट्टे अवैध डोडा पोस्ट से भरे हुए पाए गए। उनका वजन किया गया तो कुल 1224 किलोग्राम हुआ। घटना के बाद टैंकर चालक फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी शेष है। प्रकरण में अब जांच खेड़ापा थाना अधिकारी राजीव भादु की तरफ से की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।